हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी प्लस ब्लॉग में। सो फ्रेंड, मैं आज आपके साथ लुक शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर गुलाब जल लिया है। गुलाब जल मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है चेहरे पर, एज ए टोनर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड, अगर आप कोई टीनेजर हैं और आप चाहती हैं कि आप सिंपल दिखें और कोई भी आपको ज्वेलरी ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती, तो आपके लिए ये वाला जो लुक है ना, बहुत ही बेस्ट है। टीनेजर लुक है, और आपके लिए कोई फ्रेंड की शादी होती है या कोई फंक्शन है या पार्टी है, तो आप एक सिंपल भी दिखेंगी और साथ के साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल लुक से निखर कर आएगा और आप बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखेंगी। तो चलिए, मैं इसको क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पर एज ए प्राइमर यूज़ किया है। इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर फाउंडेशन लूँगी। फाउंडेशन में थोड़ा लाइट लूँगी, लाइट कलर में, स्किन टोन से मिलता होगा, और ब्लू हेवन का है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था मुझे। इसको मैंने इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। और फ्रेंड, ये जो लुक है वो टीनेजर के लिए है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, कॉलेज में आप जाती हैं, कॉलेज में कोई फंक्शन होते हैं, तो आप इसको सिंपल भी है और अच्छा भी है, आप इस लुक को क्रिएट कर सकती हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने अच्छे से हम फाउंडेशन को अप्लाई कर दूँगी। फिर एक अप्लाई करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी। फ्रेंड, मैं कोई ये जो लुक है वो एक टीनेजर के लिए बहुत ही बेस्ट है। या इसमें क्या होता है, या कोई फ्रेंड की शादी है तो आप इसमें ये वाले लुक को क्रिएट करके आ जा सकती। मैंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। फ्रेंड, मैंने आपके साथ ये वाले जो प्रोडक्ट है सब शेयर किए हुए हैं बिजनेस से, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मेकअप लुक क्रिएट हो जाएगा। बस उसको अच्छे से आपके चेहरे पर अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा निकल कर। उसके बाद मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो यहाँ पर मैं पिंक कलर का लूँगी। बस उनको भी मैं ज़्यादा लाइट ही रखूँगी, क्योंकि आप अगर टीनेजर हैं तो ज़्यादा आप मेकअप करना अगर पसंद नहीं करते, तो आप लाइट मेकअप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया पिंक कलर आई शेडो के लिए। आपके चेहरे के अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप करना चाहिए। आपका चेहरा पतला है या आपका, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप करना चाहिए, और आपको आपका जो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद ही आपका चेहरा जो मेकअप होता है चेहरे का, वो बहुत अच्छा दिखेगा। मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउनिस, थोड़ा सा कलर में ब्राउन भी लूँगी, क्योंकि आउटलाइन के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर लिया है। मैं यहाँ पर एक लाइट मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि टीनेजर के लिए तो लाइट मेकअप भी अच्छा लगता है। इसको अच्छे से आपको कॉर्नर को अच्छे से आपको करना है, और जब तक आपको इसको अप्लाई करते जाना है जब तक कि आपको अच्छे से कलर ना मिल जाए। यहाँ
यहाँ पर मैंने चॉकलेट कलर लिया है, जिससे कि आपका जो आई है वो अच्छे से निखर के आए आपका। और फ्रेंड आप सब लोगों के लिए हैप्पी लोहरी। आप अगर लोहरी पे वाला मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद साथ मैंने यहाँ पर अपनी आई शेडो कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो फिल करने के लिए। तो मैं आईब्रो फिल इसी से कर देती हूँ, ये ब्लैक कलर का था यहाँ पर आई शेडो, इसी से मैं फिल कर देती हूँ। बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। मैंने यहाँ पर आईब्रो फिल कर दी है, उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी आईलाइनर। आईलाइनर को वैसे मैंने अप्लाई कर दिया है, देखिए। साथ ही मैंने यहाँ पर काजल भी लगा दिया और बहुत ही अच्छा इसके चेहरे पर लुक दिख रहा है। मेकअप बहुत अच्छे दिख रहा है इसके चेहरे पर, देखिए। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर कर दूँगी इसको। मैं हाइलाइटर के लिए आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो का जो शिमर वाला होता है पैलेट वो यूज़ कर रही हूँ। आप सिंपल तरीके से अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना डेली में, मतलब आप मेकअप करना यूज़ करती हैं, तो आपके लिए ये वाले प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैंने सारे प्रोडक्ट आपको शेयर किए हैं, मैं उन्हीं से मेकअप कर रही हूँ। यहाँ पर आईब्रो को भी हाईलाइट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर मेहरून और पिंक कलर लिया है, देखिए वाला लुक। तो कंप्लीट हो गया हमारा ये लुक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर इयररिंग भी